to all the viewers and to all my pretty cute fans, I wish you guys a very, very happy Diwali and a prosperous New Year. To all the viewers, wishing a very happy, prosperous and safe Diwali, and thank you so much for watching the show and loving us, and love you all. I get scared because I don't want to spoil my clothes and I don't want to get burnt. मुझे बहुत पसंद है पर ऑफ लेट काफ़ी साल हो गए हैं जब मैंने पटाखे ज़्यादा जलाए नहीं हैं. बचपन में हम लोग बहुत पटाखे फोड़ते थे, मतलब वी यूज़ टू एक्चुअली स्टार्ट अराउंड 8:30 7:15 बजे पूजा करते थे. एक घंटे की पूजा के बाद 8:15 8:30 बजे शुरू करते थे पटाखे फोड़ना, तो रात को 2 बजे तक पटाखे फोड़ते थे, फिर भी ख़त्म नहीं होते थे. सो वी यूज़ टू रियली एंजॉय एज किड्स व्हेन वी यूज़ टू बर्स्ट क्रैकर्स. पर अब तो या तो टाइम नहीं मिलता है या फिर मन नहीं करता, बिकॉज यू नो अभी थोड़ा इको फ्रेंडली भी हो गए, चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, तो इसीलिए वी डोंट बर्स्ट मच क्रैकर्स. आई थिंक दिवाली इज द ओनली फेस्टिवल आई एंजॉय द मोस्ट. और मेरे घर पे तो बचपन से मैं खुद पूजा में बैठता आया हूँ, सारी चीज़ें, फिर नानी काफ़ी सारी स्वीट्स बनाती हैं और डिफरेंट टाइप के पकवान बनाती हैं, एंड सबको घर में हेल्प करना, सबके साथ यू नो घर को सजाना, उसके बाद पूजा में फिर काफ़ी सारे फायर क्रैकर्स. तो दिवाली इज़ द बेस्ट फेस्टिवल फॉर मी. मुझे बहुत डर लगता है और मैं तो भी लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड के साथ, हम सब फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड के टेरेस पे गए थे और हमने बर्स्ट किए थे. तब मैंने सारे वो जो रॉकेट जो ऊपर जाके कलरफुल होते हैं वो भी मैंने बर्स्ट किए थे. इट्स जस्ट दैट आई डोंट रियली एंजॉय इट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक व्हिच आई कांट टेक ऑनेस्टली इसकी वजह से. बट हाँ, वो चक्री एंड अनार एंड ऑल आई डू, मुझे बहुत मज़ा आता है वो सब करने में. आई थिंक दिवाली इज़ वन फेस्टिवल वेयर हम सारे फैमिली वाले मिलते. वैसे भी आई एम ऑलवेज बिन इन बॉम्बे, तो मेरी पूरी फैमिली बॉम्बे की है, बट इट जस्ट एक बहाना मिल जाता है जब सब मिलते हैं, साथ में डिनर करते हैं, एंड देन आई गो मीट माई फ्रेंड्स, वी प्ले कार्ड्स, वी सिट, वी ड्रिंक, यू नो वी चिल, सो इट्स कूल. आई हेट स्वीट्स. मैं स्वीट्स बिल्कुल भी नहीं खाती, मैं सिर्फ काजू कतली खाती हूँ, तो मैं बस वो खा के एंजॉय करती हूँ. इसलिए आरके और मधु ऑपोजिट्स हैं. आई लव स्वीट्स. ही इज अ स्वीट टूथ. आई थिंक ही लाइक्स एवरीथिंग. आई एम अ स्वीट जॉ. आई एम अ स्वीट जॉ. मतलब मैं आई थिंक मेरी लाइफ को शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब खाने के बाद, किसी भी मील के बाद मैंने कुछ स्वीट ना खाया, बिकॉज आई लव स्वीट्स. और दिवाली पे तो मतलब एक हद ही हो जाती है हर चीज़ की. अगर मैं दिवाली के पहले सपोज फ़र्ज़ कीजिए कि मैं 75 kgs का हूँ, तो दिवाली के बाद मैं आपको 80 kgs का मिलूँगा. 5 किलो पुटाउन कर लेता हूँ सिर्फ दिवाली के दिनों में. नहीं, आई थिंक अभी हम सब यू नो वी ऑल आर लूजिंग द टच, बट मुझे अभी भी याद है जब स्कूल वैकेशन होते थे दिवाली के टाइम पे, मॉम यूज़ टू मेक नाश्ता घर पे, यू नो सेब पूरी एंड ऑल, शुड सिट एट होम टेरेस पे जाके सब सुखा के फिर शाम को बनाना. आई थिंक नाउ कोई खाता भी नहीं बिकॉज एवरीबडी इज लाइक डाइट कॉन्शियस एंड एक्स वाई जेड थिंग्स, बट आई मिस ऑल दोज थिंग्स. एंड आई थिंक अभी भी मेरी मॉम ट्राई करती है, कुछ ना कुछ बना देती है, सेइंग दैट अरे दिवाली है इसलिए बनाया. जिलमिलाते दीपों के आभार से प्रकाशित हो आपका घर परिवार. आपके घर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद लाए ये दिवाली. हमारे परिवार की ओर से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. हैप्पी दिवाली.